गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 ऋतुराज या बसंता का आखिरी पैरा पढ़ेंगे। बसंत पंचमी इति उत्सव बसंत ऋतो आगमनम सूचयति। बसंत पंचमी या उत्सव बसंत ऋतु माने बसंत ऋतु के आगमनम माने आने की सूचित माने सूचना देता है। बसंत पंचमी या उत्सव वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। केचित् जना एतस्मिन् दिवसे विद्यायाः देवीं सरस्वतीं पूजयन्ति। केचित् जना माने कुछ लोग, एतस्मिन् दिवसे माने इस दिन, विद्यायाः देवी विद्या की देवी सरस्वती की पूजयन्ति माने पूजा करते हैं। कुछ लोग इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। राग रंगाणाम उत्सव होली वसंत ऋतौ यो आगच्छति। राग रंगाणाम रंग रंगों की का उत्सव होली बसंत ऋतु में ही आगच्छत मानी आती है। रंग रंगों का उत्सव या त्यौहार होली भी बसंत ऋतु में ही आता है। हास परिहासस्य आह्लादस्य च उत्सव एषा। हास परिहासस माने हसी का, आह्लाद माने आनंद का, ऐसा माने या उत्सव या त्यौहार, हंसी ठिठोली और आनंद का है। यह हंसी ठिठोली और आनंद का त्यौहार है। एतस्मिन् उत्सवे सर्वत्र आमोद प्रमोदस्य वातावरणम् अस्ति। एतस्मिन् उत्सव इस उत्सव पर सब जगह आमोद प्रमोद का वातावरण होता है या आनंद का वातावरण रहता है। आवाल वृद्धा सर्वे प्रसन्ना जना अन्योन्यस उपरी रंगानी प्रचिपन्ति प्रमुत्ता च भूत्वा गायन्ति नृत्यन्ति च। आवाल वृद्धा, आवाल माने बच्चे, वृद्धा माने बूढ़े, सर्वे प्रसन्ना जनों सभी प्रसन्न लोग, अन्य अन्य माने एक दूसरे के ऊपर, रंगानी प्रचिपन्ति माने रंग डालते हैं, प्रमुदा च और प्रसन्न होकर, भूत्वा माने होकर, गायन्ति माने गाते हैं, नृत्यन्ति माने नाचते हैं। बच्चे बूढ़े सभी लोग प्रसन्न होकर एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, प्रसन्न होते हैं, गाते और नाचते हैं। सौभाग्यम अस्माकम यत् भारतवासिना वयम। सौभाग्यम अस्माकम हमारा सौभाग्य है, यत् माने कि, वयम माने हम, हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवासी हैं। यथा भारतीय षड् ऋतवः भवन्ति न तथा अन्यत्र। यथा माने जिस प्रकार भारत में षड् ऋतवः भवन्ति माने छह ऋतुएं होती हैं, न माने नहीं, तथा माने उस प्रकार, अन्यत्र माने अन्यत्र जगह या दूसरे स्थान पर या दूसरे देश में। जिस प्रकार भारत में छह ऋतुएं होती हैं उस प्रकार और कहीं नहीं। यदा सूर्य उत्तरायणा भवति तदा शिशिरा वसंता ग्रीष्मा च ऋतवः भवन्ति। यदा माने जब सूर्य उत्तरायणा भवति माने उत्तरायण होता है, तदा शिशिरा तब शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु भवन्ति माने होती हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तब शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु होती है। यदा भानु दक्षिणायणा भवति तदा वर्षा शरद हेमंत च ऋतवः भवन्ति। यदा और जब भानु माने सूर्य और जब सूर्य दक्षिणायण होता है तदा तब वर्षा शरद और हेमंत ऋतु होती हैं। ऋतु वसंता सर्वश्रेष्ठ ऋतुराम राजा च अतः ऐसा ऋतु राजा कथ्यते। ऋतु वसंता बसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ और ऋतुओं का राजा है, अतः ऐसा ऋतु राजा कथ्यते, इसलिए इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। फिर से देख लीजिए। बसंत पंचमी इति उत्सव बसंत ऋतु आगमनम सूचयति। बसंत पंचमी या उत्सव बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है। केचित् जनाः तस्मिन् दिवसे विद्यायाः देवी सरस्वतीं पूजयन्ति। कुछ लोग इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। राग रंगाणाम उत्सवम होली वसंत ऋतौ आगच्छति। रंग रंगों का उत्सव होली भी बसंत ऋतु में ही आता है। हास परिहासस्य आह्लादस्य च उत्सव एषा। हंसी ठिठोली और आनंद का यह उत्सव है, या यह उत्सव
हंसी ठिठोली और आनंद का है। एतस्मिन् उत्सवे सर्वत्र आमोद प्रमोदस्य वातावरणम् अस्ति। इस उत्सव पर सब जगह आनंद का, प्रसन्नता का, आमोद प्रमोद का वातावरण होता है। आबाल वृद्धा सर्वे प्रसन्ना जना अन्यो अन्यस्य उपरि रंगानि प्रक्षिपन्ति प्रमुदा ताचा भूत्वा गायन्ति नृत्यन्ति च। आबाल वृद्धा बच्चे बूढ़े सभी लोग प्रसन्न होकर एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, प्रसन्नचित होते हैं और गाते और नाचते हैं। सौभाग्यम अस्माकम यत् भारतवासिना वयम्, हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवासी हैं। यथा भारतीय षड् ऋतुवा भवन्ति न तथा अन्यत्र, जिस प्रकार भारत में 6 ऋतुएं होती हैं वैसा अन्य कहीं नहीं। यदा सूर्या उत्तरायणा भवति तदा शिशिरा वसंता ग्रीष्मा च ऋतुवा भवन्ति, जब सूर्य उत्तरायण होता है तब शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु होती हैं। यदा भानु दक्षिणायण भवति तदा वर्षा शरद हेमंत च ऋतुवा सन्ति, और जब सूर्य दक्षिणायण होता है तब वर्षा शरद और हेमंत ऋतुएं होती हैं। ऋतु वसंता सर्वश्रेष्ठा ऋतु राम राजा च, ऋतु वसंत या वसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ है और ऋतुओं का राजा है। अतः ऐसा ऋतु राजा कथ्यते, इसलिए इसे ऋतुराज कहा जाता